वेलकम टू सोशल ईयर 2022 में हमने ऑलरेडी KGF, RRR और विक्रम जैसी सुपरहिट पैन इंडिया फिल्म्स देख ली हैं। इन फिल्म्स ने मास से लेकर सिनेफाइल्स दोनों को ही बहुत एंटरटेन किया है एंड नाउ एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर पैन इंडिया फिल्म्स लाइक दीज। इस वीडियो में हम आपको अपकमिंग 10 पैन इंडिया फिल्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। नंबर वन जवान। ईयर 2023 में हम शाहरुख खान को 3 फिल्म्स में देखने वाले हैं। जहां पठान एक स्पाई थ्रिलर है, वहीं उनकी दूसरी फिल्म डंकी एक सोशल ड्रामा है। मगर इन सब में से वन फिल्म विच एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट इज जवान। जवान को डायरेक्ट किया है फेमस तमिल डायरेक्टर एटली ने और फिल्म में शाहरुख खान हमें एक बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर में दिखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी हिज पैन इंडिया फिल्म और रिसेंटली ही फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया था, जहां SRK के कैरेक्टर ने सबको क्यूरियस कर दिया है। नंबर 2 आदिपुरुष। आदिपुरुष एक बिग बजट फिल्म है जिसकी स्टोरी इंडियन मैथोलॉजी एपिक रामायण पर बेस्ड है। फिल्म में हमें लीडिंग रोल में दिखाई देंगे एक्टर प्रभास और सैफ अली खान। वेल, प्रभास की रीसेंट फिल्म्स चाहे उतनी सक्सेसफुल ना हुई हो, बट वी ऑल वांट टू सी हिम बैक इन हिज सक्सेस टेरिटरी एंड आदिपुरुष कैन डू दैट। इसके साथ साथ आदिपुरुष को डायरेक्ट किया है ओम राउत ने, जिन्होंने इससे पहले हमें तानाजी जैसी मैग्नम ओपस फिल्म दी थी। आप हमें बताएं कि आप आदिपुरुष के लिए कितना एक्साइटेड हैं। नंबर 3 पूनिया सेल्वन। ये एक ऐसी फिल्म है जिसका शायद मास्टर्स को पता भी ना हो, पर ट्रू सिनेफाइल्स नो कि ये कौन सी फिल्म है। ये फिल्म डायरेक्टर मणि रत्नम का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे बनाने में उन्होंने काफी हार्ड वर्क किया है। फिल्म में हमें ऑल ओवर इंडिया से एक्टर्स दिखाई देंगे, फ्रॉम ऐश्वर्या राय टू चिया विक्रम टू शोभिता धुलीपाला। फिल्म की कास्ट काफी एक्साइटिंग लग रही है। वी आर होपिंग दिस टर्न्स आउट टू बी गुड, क्योंकि मणि रत्नम इज अ लेजेंडरी फिल्म मेकर और उनके सिनेमा से हमेशा ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। नंबर 4 लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा एक्टर आमिर खान का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिस पर वो लास्ट 15 ईयर से काम कर रहे हैं। फिल्म हॉलीवुड कल्ट क्लासिक फॉरेस्ट गंप का रीमेक है, जहां पर हमें आमिर के साथ करीना कपूर और तेलुगु सुपरस्टार नागा चैतन्य भी दिखाई देंगे। Well, the trailer might have received mixed reactions from the audience, but we all know कि आमिर अपनी हर फिल्म में ऑडियंस को कुछ नया ही दिखाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए you cannot underestimate this film. मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही भर जावे, मन नहीं भरता। नंबर 5 पुष्पा द रूल। पुष्पा द राइज के बाद हर कोई पुष्पा द रूल का बहुत ही ईगरली वेट कर रहा है। इस फिल्म में हम सिर्फ पुष्पा के कैरेक्टर की आगे की जर्नी ही नहीं देखेंगे, बल्कि हमें ये भी देखने को मिलेगा कि व्हाट हैपेंस बिटवीन हिम एंड द कैरेक्टर ऑफ फहद फासिल। फिल्म का फैन बेस ऑलरेडी पूरी दुनिया में क्रेज बना चुका है एंड वी आर श्योर कि अगर फिल्म अच्छी हुई देन इट विल ब्रेक मेनी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। नंबर 6 लाइगर। लाइगर एक बॉक्सिंग फिल्म है जिसे तेलुगु सुपरस्टार विजय देवराकोंडा बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लास्ट 1 ईयर से हो रही है और फिल्म के लिए विजय ने अपने फिजीक पर बहुत काम किया है। रिसेंटली ही फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हुआ था जो सबको बहुत पसंद आया था। विजय के साथ साथ फिल्म में हमें एक्ट्रेस अनन्या पांडे और फेमस बॉक्सर माइक टाइसन भी दिखाई देंगे। बॉक्सिंग फिल्म्स आर क्वाइट रेयर दीस डेज, सो इट्स गुड टू सी पॉपुलर एक्टर्स इंडल्जिंग देमसेल्व्स इन दिस जॉनरा। नंबर 7 सालार। आफ्टर गिविंग अस KGF फिल्म्स, डायरेक्टर प्रशांत नील विल नाउ बी डायरेक्टिंग द फिल्म सालार। लाइक KGF, ये भी एक एक्शन फिल्म है जिसके लिए प्रशांत नील ने काफी प्रिपरेशन की है। उन्होंने फिल्म के लीडिंग रोल में प्रभास को साइन किया है एंड इट विल बी एक्साइटिंग टू सी कि प्रशांत KGF का मैजिक रिपीट कर पाएंगे या नहीं। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. Number 8 Brahmastra. There is no doubt in saying कि ब्रह्मास्त्र year 2022 की most awaited film है। Director Ayan Mukherjee इस पर last 9 years से काम कर रहे हैं।
और इस फिल्म का हर नया विजुअल हमें फिल्म के बारे में और भी एक्साइटेड कर देता है। ये एक फैंटेसी फिल्म है जहां हम पहली बार एक्टर रणबीर कपूर को एक बिल्कुल ही डिफरेंट अवतार में देखेंगे। वी आर होपिंग कि फिल्म अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाए, क्योंकि 9 years इज अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स हाई टाइम दैट वी गेट अ गुड सुपर हीरो फिल्म। तुम खुद एक अस्त्र, अग्नि अस्त्र। नंबर 9, एनिमल। एनिमल एक क्राइम फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा बना रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले कबीर सिंह बनाई थी। फिल्म में हमें रणबीर कपूर एक गैंगस्टर के रोल में दिखाई देंगे और उनके साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना फीमेल लीड प्ले कर रही है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो सेड कि एक्टर्स अनिल कपूर और बॉबी देओल फिल्म में नेगेटिव रोल्स प्ले कर रहे हैं। वेल, दिस इज गोइंग टू बी अ डेडली कास्ट और फिल्म के अनाउंसमेंट पोस्टर ने ऑलरेडी सबको अपना फैन बना दिया है। वी कैन नॉट वेट टू वॉच दिस फिल्म। नंबर 10, विक्रम 2। आफ्टर गिविंग अस अ लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंस इन विक्रम 1, डायरेक्टर लोकेश कानगराज ने फिल्म के सीक्वल पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। वेल, दिस इज एक्साइटिंग, क्योंकि अब हमें फिर से कमल हासन और फहाद फासिल एक साथ दिखाई देंगे और साथ में एक्टर सूर्या के कैरेक्टर के बारे में ऑडियंस को पता चलेगा। सो टीम सोशल इज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर विक्रम पार्ट 2 एंड इवन पार्ट 3। इस जंगल में कैसे कब सुबह होगी ये तय करने वाली प्रकृति नहीं, सिर्फ मैं हूँ। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।